हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुर्जर फैमिली व्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो हम जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं दीसू? डिनर का तो नाम है, दीसू को भी खाना नहीं खाना, बस इमानसी की इच्छा थी तो जा रहे हैं डिनर करने। तो नहीं, खाली पेट जाना चाहिए ना, खाना वाना तो डिनर तो वही होता है ना। ऐसे कह रही हूँ जैसे मो पता ही ना हो मैं, कहा करूँ। तो बस जो सूट पहन रखा था वही सूट पहन के जा रहे, कानों में भी कुछ नहीं पहना क्योंकि मुंह से खाएंगे कानों के थोड़ी ना खाएंगे। तो इसलिए बस कैसे कैसे हिमांशी की बेचारी की इच्छा पूरी हुई है, कभी किसी मना रही है कभी किसी मना रही है, मना मन के लेके जा रही है। खा पी लिया, जो भी होगा तुम सब किसी गैल शेयर करेंगे। और कहावत है कि जब गुस्सा हो ना तो नेचुरली निकले अपने आप। तो मिलते हैं फिर आप सभी से, जो भी होगा कुछ ना कुछ तो आप सबके साथ हमें शेयर करना ही पड़ता है, करना ही है। अपनी खुशी से करते हैं, और मतलब अपने 24 घंटे में से 8 घंटे 8 मिनट 7 मिनट 6 मिनट 10 मिनट इतने ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाओ, बहुत से बहन भाई तो कहते हैं कि बहुत ब्लॉग बड़े ही अच्छे लगते हैं, और जिन्हें ज़्यादा वीडियो देखनी होती है वो कहें कि बहुत बड़ी वीडियो थी आज। तो वैसे भी वीडियो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, जिनको देखनी है वो देखते ही हैं, वो मैं बार बार बोलती हूँ, ये हकीकत भी है। वीडियो मैं अपने आप से ही छोटी बनाती हूँ, उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो मतलब छोटी ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जहाँ भी जो भी होगा आप सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। ज़्यादा बात ना करते हुए ऐसे मैं बात करती रहूँगी, बतून बहुत हूँ मैं। आखिरकार आ गया वो दिन कि हम भी रेस्टोरेंट में, मतलब मैरिज एनिवर्सरी पर, मतलब कुछ स्पेशल अलग सा, ऐसे बहुत बार गए हैं तो चल दिए थे। और ये हमें हिमांशी लेके गई है, आप सबको मैं बता चुकी हूँ, हिमांशी का था और मैंने खाना खा लिया था, बाकी किसी ने नहीं खाया था, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती कि ये खाएंगे, जब भी खाऊंगी कभी भी नहीं किया। और क्योंकि मैं दिन में ही खा लेती हूँ, दिन छिपने से पहले ही दो रोटी अपनी, और आजकल बस खाने का ध्यान रख रही थी तो इसलिए मैंने पहले ही खा लिया था। ये मार्केट है, और कहाँ पे गए थे वो तो आप सब देख सकते हो, बता दोगे आप सब, जिस जिसको पता है कमेंट करके बताना। और पहुँच गए थे यहाँ पे अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पंखा बंद करना पड़ा है, बहुत गर्मी लगती है सच में ही, पंखा बंद करके तो गर्मी इतनी हो रखी है, पंखा ही गर्म लगता है। और बच्चे खुश तो हम खुश, बच्चे भी खुश थे, ऐसा नहीं है कि कब पहली बार गए थे, वैसे तो जाते रहते हैं, लेकिन मैरिज एनिवर्सरी पे, शायद मैंने पहले भी बोल दिया होगा ये, सॉरी अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, तो मैरिज एनिवर्सरी पे पहली बार था, और केक भी एक बार कटा था, वो भी पिंक और मौसम लेके आई थी। नहीं, कभी बच्चों का ही सोचते हैं, और बहुत जल्द हिमांशी का बर्थडे आने वाला है, तब कटेगा केक, कटिंग होगी, मैरिज एनिवर्सरी पे कभी नहीं हुआ। और मैंने बताया सिर्फ एक बार जब हुआ था, जब पिंकी और मौसम लेके आई थी केक। अब उन्होंने थोड़ी ना बेचारी ने ठेका ले रखा हर लाने का, और बैठी हुई हूँ और तैयार होके नहीं गए, जैसे थे हम सब ऐसे ही चल दिए, और क्योंकि अचानक 9 बज चुके थे घर निकलने से ही, और फिर पहुँच गए थे। और ये देख रहे हैं, मतलब जो इन्हें खाना है वो, और वेट भी किया था काफ़ी देर, लेकिन वीडियो तो थोड़ी थोड़ी शूट की है। और आप सभी को बताना कैसा लगा वीडियो, वीडियो आजकल कैसे लग रहे हैं, आप भरपूर प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे हम बार बार जाएं, आप इतना प्यार दो मेरी वीडियो पे, और मुझे बाहर का, वैसे बच्चों को भी कम पसंद है, क्योंकि बार बार बताऊँगी, पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि तीखा पसंद है तो घर का ही, लेकिन खाना सब बच्चे कह रहे थे अच्छा बना था, और ये क्या लेंगे, जो इन्हें खाना होगा वो ले लेंगे, और मैं भी बैठूंगी क्योंकि बच्चों का साथ देना चाहिए, खाना ज़रूरी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बेशक मैंने खाना नहीं खाया, कुछ खाया नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, सबको देख के ही अच्छा लग रहा था, सबकी खुशी में ही खुश, बच्चों की खुशी में तो हर माँ खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। मुझे लगा भी नहीं कि मैं यहाँ, मतलब मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना क्यों नहीं खाना था वो मैं बता चुकी हूँ आप सबको, ऐसे मत समझना कि मैंने पता नहीं क्यों नहीं खाया होगा, बस ये कारण था, और प्लेट लगा ली थी लेकिन खाया नहीं था, और बाकी सब कुछ आ चुका था
सिर्फ खाना नहीं आया था, और मैं आपको दिखा रही हूँ डेकोरेशन, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे क्या था, मुझे वीडियो ही बनाने का काम था, और वीडियो मेरा एक काम है, ये मुझे करना ही करना है। जिस तरह से हमारे घर में रूटीन है हमारा, झाड़ू पोछा खाना बनाना, इसी तरह मेरा डेली व्लॉगिंग का है। तो मुझे डेली व्लॉग आप सबके लिए लाने ही लाने हैं। आपको जो अच्छा लगे वो देखोगे, जो नहीं अच्छा लगेगा स्किप कर दोगे, लेकिन मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा। तो खाना खा लीजिए, आ गया खाना। किस किस को भूख लग रही है बताना ज़रूर, और जिसको भूख लग रही है वो आ जाओ खा लो। देखो सबने खा, सब खाने लगे, इन्होंने भी ऐसा ही खाना, तो खैर रात में सब ऐसे ही खाते हैं। और मैं कह रही हूँ ख़त्म हो गया, खा लिया सब। मैं अभी बता रही हूँ कि ख़त्म हो गया, खा लिया सब। और बाद में तो इतनी भीड़ हो गई थी कि कुछ लोग तो बाहर खड़े होने लगे थे, और इसके अंदर भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग अंदर भी गए हुए हैं। ये मुझे नहीं पता अंदर से कितना बड़ा है, मैंने देखा नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है। और खाना वाना खा के बाहर आ गए हैं सब, और यहाँ पे बच्चों को खाना था फालूदा, और वो भी फिर मैं, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट के सामने ही है तो आप सबको दिखा रही हूँ जितना मैं कैप्चर, क्योंकि मैंने बनता हुआ नहीं देखा। बच्चों को खिलाया बहुत बार है, खाया कभी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं, मतलब देखने में ही अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कि अच्छा लगता है खाने में या कैसा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बार मैंने हिमांशी दीशु को दिलाया था, दीशु जब छोटा ही था, दीशु जिद करने लगा, स्कूल से आ रहा था, तो स्कूल से आते आते मैंने दिलाया था। मुझे वो देख के अच्छा नहीं लगा, जो इसमें के अंदर वो सेवैयाँ सी डालते हैं ना, वो देख के मतलब मुझे, मेरे खाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। और किस किस को पसंद है, जिसको पसंद है वो आ सकते हैं, वो खा लो। मुझे नहीं है तो मैंने नहीं खाया, बच्चों ने खाया था, और इसके पापा ने सेक पिया था, और बस यही था। अगर ऐसे मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचोगे फिर इसने क्यों नहीं खाया। मुझे पहले था आइसक्रीम खाने का, लेकिन आजकल मैं चाय और आइसक्रीम, मैंने ऐसी चीज़ छोड़ी हुई है, क्योंकि सोच रही हूँ कि थोड़ा ठीक ठीक हो जाऊँ, अगर वेट भी मतलब ज़्यादा कम नहीं करने की कोशिश, कि इतना भी हो जाए कि मैं अपना पूरा काम अच्छे से, अपने घर का काम अच्छे से संभाल सकूँ, क्योंकि बहुत भारी हो गया है शरीर, तो काम करने में भी, काम तो करते ही हैं, मजबूरी है, लेकिन भारी शरीर से प्रॉब्लम होती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम खड़े हुए हैं रोड पे, और इस टाइम हो चुके थे, 10 बज चुके थे, और डोमिनोज का इन बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, तो पिज़्ज़ा के लिए गए थे, लेकिन अंदर हमने वीडियो नहीं बनाई। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।